हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में से एक रोमानिया के बारे में। यह देश अपने प्राकृतिक नज़ारों जैसे जंगलों, फूलों के खेतों और यहाँ पर बहते साफ पानी के झरनों के लिए मशहूर है। इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक हैं। दोस्तों, रोमानिया में देखने और करने को बहुत कुछ है। खूबसूरत पहाड़ों से लेकर उपजाऊ मैदानों तक बहने वाली नदियाँ पर्यटकों को एक शानदार अनुभव प्रदान करती हैं। यह देश अपने अछूते जंगलों, यहाँ पाए जाने वाले भूरे रंग के भालुओं के झुंड और अपनी प्राचीन गुफाओं के लिए भी फेमस है। रोमानिया लैटिन शब्द रोमांस से लिया गया है, जिसका मतलब है रोमन साम्राज्य का नागरिक। रोमानिया अपने 2,38,391 वर्ग किलोमीटर के साथ यूरोप का 12वें नंबर का बड़ा देश है और दक्षिण पूर्व यूरोप का सबसे बड़ा देश है। रोमानिया की पॉपुलेशन 2 करोड़ के करीब है, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली के बराबर है। इस देश के 90% से अधिक लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। रोमानिया की महिलाएं बेहद ही खूबसूरत होती हैं। साथ ही रोमानिया में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी ज्यादा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रोमानिया की महिलाएं खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत मेहनती भी होती हैं, जो कि अपने परिवार का पूरा सपोर्ट करती हैं। रोमानिया की महिलाएं खेतों में काम करने के साथ साथ बड़ी संख्या में पशुपालन भी करती हैं, जो कि इन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया में सबसे तेज 4G इंटरनेट रोमानिया में ही है। आप यहाँ कितनी भी रिमोट जगह पर चले जाएं, आपको इंटरनेट की स्पीड सबसे तेज ही मिलेगी। पूरी दुनिया के कंपेयर में यहाँ 4G की एवरेज स्पीड 35.61 MBPS है। आपको बता दें, रोमानिया के लोगों को डांस करना बहुत पसंद है। यहाँ पर मनाए जाने वाले त्यौहार और इनमें डांस करती खूबसूरत लड़कियाँ आपके मन को मोह लेंगी। यूरोपीय संगठन में वेना और पेरिस के बाद रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। इसका कारण यह है कि यह शहर रोमानिया में सबसे ज्यादा रोजगार देता है। रोमानिया के लोगों को फेस्टिवल मनाना बहुत पसंद है। यहाँ मनाए जाने वाले सबसे फेमस फेस्टिवल लेडीज फेस्टिवल और फ्लावर फेस्टिवल है, जो मुख्य रूप से महिलाओं पर केंद्रित है। रोमानिया के लोगों को पार्टी लवर्स भी कहा जाता है, जो दिन रात पार्टी करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ के बार्स और नाइट क्लब रात भर खुले रहते हैं। यह देश पार्टी लवर्स के लिए पैराडाइज भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, रोमानिया को सबसे हॉन्टेड देश कहा जाता है। यहाँ के लोग अपने ब्लैक मैजिक के लिए फेमस हैं। आपको यहाँ कई लोग मिल जाएंगे जो आपको आत्मा और भूतों की कहानी सुनाकर डरा देंगे। रोमानिया में जादू टोना करना लीगल है। जादू टोना सिखाने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। जादू टोना करने के लिए यहाँ की सरकार को अलग से टैक्स देना पड़ता है। रोमानिया के लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं। इसी वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा अल्कोहल का सेवन करने के मामले में रोमानिया 5वें नंबर पर आता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रोमानिया के रोड पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत रोड माने जाते हैं। शाम के समय रोमानिया के रोड्स पर ड्राइविंग करते वक्त लोगों को कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कि वह किसी जन्नत में हो। रोमानिया का 47% हिस्सा पर्वत और जंगलों से घिरा है। पहाड़ों से चलने वाली ठंडी हवा पर्यटकों के मन को तरोताजगी से भर देती है। दोस्तों, रोमानिया में साबर, भेड़िए, भालू काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा स्तनधारियों, पक्षियों, सरपसृप और पशुओं की 400 से भी अधिक प्रजातियां रोमानिया में पाई जाती हैं। रोमानिया में 22,298 वर्ग किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, जो पूरी दुनिया का 15वें नंबर का सबसे बड़ा नेटवर्क है। रोमानिया के झरने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत झरने माने जाते हैं। यहाँ हर वीकेंड इन झरनों पर लोग इंजॉय करने आते हैं। तो दोस्तों, ये थे रोमानिया से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक। धन्यवाद।